السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 256 पढ़ेंगे। ला इकराहा, नहीं कोई जबरदस्ती, फिर दीन में का तहकीक तबैयाना वाजे हो चुकी है, न रुश्दो हदायत मिनल गई गुमराही से, फमन फिर जो शख्स यकफुर कुफर करे बितागूती तागूत से, वयुमिनु वयुमिन बिल्लाही और वो ईमान लाए अल्लाह ताला के साथ, फ़कद इस्तमसका तो तहकीक उसने थाम लिया, बिलउरवाती कड़ा तिलवस का मजबूत, तनफिसामा नहीं है टूटना, लहा उसके लिए वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला अलीम खूब जानने वाला है। इस आयत के शाने नजूल में बताया गया है कि अंसार के कुछ नौजवान यहूदी या ईसाई हो गए थे, फिर जब ये अंसार मुसलमान हो गए तो उन्होंने अपने नौजवान औलाद को भी जो यहूदी या ईसाई बन चुके थे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहा, जिस पर ये आयत नाजिल हुई। शाने नुज़ूल के इस एतबार से बाज मुफस्सरीन ने उसे अहले किताब के लिए ख़ास माना है, यानी मुसलमान ममलकत में रहने वाले अहले किताब अगरचे वो जिज़िया अदा करते हैं तो उन्हें कबूल इस्लाम पर मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन ये आयत हुक्म के इतबार से आम है, यानी किसी पर भी कबूल इस्लाम के लिए जबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हदायत और गुमराही दोनों को वाजे कर दिया है। तहम कुफ्र और शिर्क के खात्मे और बातिल का जोर तोड़ने के लिए जिहाद एक अलग और जबर व इकराह से मुख्तलिफ चीज़ है। मकसद मुआशरे से इस कुव्वत का जोर और दबाव ख़त्म करना है जो अल्लाह ताला के दीन पर अमल और इसकी तबलीग की राह में रुकावट बनी हुई हो, ताकि हर शख्स अपनी आज़ाद मर्जी से चाहे तो उसे अपने कुफर पर कायम रहे और चाहे तो इस्लाम में दाखिल हो जाए। चूंकि रुकावट बढ़ने वाली ताकतें रह कर उभरती रहती हैं, इसलिए जहाद का हुक्म और उसकी ज़रूरत भी क़यामत तक रहेगी, जैसा कि हदीस में है, अल जिहादु माज़िन इला योमिल क़ियामाती, जहाद क़यामत तक जारी रहेगा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों और मुशरिकों से जहाद किया और फरमाया, उमीर तो अन उकातिल नासा हत्ता यशहदु, सही बुखारी की हदीस है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक जहाद करूं जब तक के वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना कर लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सजाए इर्तदाद कत्ल से भी उस आयत का कोई टकराव नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग ऐसा बावर कराते हैं, क्योंकि इर्तदाद की सज़ा कत्ल से मकसद जबर व इकराह नहीं है, बल्कि इस्लामी रियासत की नज़रियाती हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ है। एक इस्लामी ममलकत में एक काफ़र को अपने कुफ्र पर कायम रह जाने की इजाज़त तो बेशक दी जा सकती है,
लेकिन एक बार जब वो इस्लाम में दाखिल हो जाए तो फिर इसे बगावत और इनहराफ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लिहाजा वो खूब सोच समझ कर इस्लाम लाए, क्योंकि अगर ये इजाज़त दे दी जाती तो नज़रियाती असास मुनहदम हो सकती थी, जिससे नज़रियाती इंतशार और फिक्री अनारकी फैलती, जो इस्लामी माशरे के अमन को और मुल्क के इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकती थी। इसलिए जिस तरह इंसानी हकूक के नाम पर कत्ल, चोरी, जिना, डाका और हराबा वगैरह जराइम की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसी तरह आज़ादी राय के नाम पर एक इस्लामी ममलकत में नज़रियाती बगावत इत्तेदाद की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। ये जबरो इकरा नहीं है, बल्कि मुर्तद का कत्ल इसी तरह ऐन इंसाफ है जिस तरह कत्ल व गारत गिरी और इखलाकी जराइम का इर्तकाब करने वालों को सख्त सजाएं देना ऐन इंसाफ है। एक का मकसद मुल्क का नज़रियाती तहफ़ है और दूसरे का मकसद मुल्क को शर व फसाद से बचाना है, और दोनों ही मकसद एक ममलकत के लिए नागजीर हैं। आज अक्सर इस्लामी ममालिक इन दोनों ही मकासद को नज़रअंदाज करके जिन उलझनों, दुश्वारियों और परेशानियों से दोचार हैं, मोहताजो वजाहत नहीं, ये आयत करीमा दीन इस्लाम के कामिल होने की दलील है, और इसमें इस बात का बयान है कि दीन इस्लाम की सदाकत के दलाइल बराहीन वाज़े हैं, इसलिए ज़रूरत ही नहीं कि किसी को इसमें दाखिल होने पर मजबूर किया जाए। अगर कोई शख्स इसमें दाखिल होता है तो ये इसकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने उसे हक कबूल करने की तौफीक दी है, और अगर वो कुफ्र की राह इख्तियार करता है तो गोया अल्लाह ताला ने उसके दिल की रोशनी छीन ली और उसकी आँख और कान पर मोहर लगा दी। अब अगर ऐसे आदमी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर भी किया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हक कबूल करने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं। आगे फरमाया कि दीन इस्लाम आने के बाद लोग दो जमातों में बट गए। एक जमात ने इस्लाम कबूल किया और तागूत का इनकार किया, तो उसने दीन की असल और बुनियाद को मजबूती से थाम लिया, और दूसरे लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की और तागूती ताकतों से रिश्ता इस्तवार किया, तो वो हलाक हो गए। तारीख शाहिद है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने जब भी कोई शहर या इलाका फतह किया तो वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्हें इख्तियार दिया कि अगर वो चाहें तो अपने दीन पर रहें और जिज़िया अदा करें। इस्लामी हुकूमत इनकी हिफाजत करेगी। जिहाद से मुतल्लिक आयात का तत्बा करने से मालूम होता है कि इसकी गर्ज़ो गायत ये है कि इस्लामी हुकूमत को दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से महफूज कर दिया जाए, अल्लाह ताला का दीन गालिब हो, शरीयत इस्लामिया का नफाज हो और किसी दुश्मन की तरफ से ख़तरा हो तो इस्लाम और मुसलमानों की तरफ से दिफा में पेश कदमी की जाए। इसलिए बाज़ लोगों का ये ख्याल कि ये आयत जिहाद के ज़रिए मनसूख है, सही नहीं है। इसी तरह मुर्तद का कत्ल भी इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए कि इस्लाम में दाखिल होने पर किसी को मजबूर नहीं किया जाता। लेकिन जब एक शख्स अपनी मर्जी से इसमें दाखिल हो गया तो अगर वो चोरी करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा होकर जिना करेगा तो उसे रजम कर दिया जाएगा।
ताकि मुस्लिम माशरा को इसकी और इस जैसियों की अनारकियों और शरो फसाद से बचाया जाए। इसी तरह हाकम वक्त का ये फ़र्ज है कि अगर कोई शख्स दोबारा कुफर को कबूल कर ले तो उसे कत्ल कर दे, ताकि मुस्लिम माशरा को मजहबी इंतशार से बचाया जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले अंसार में से किसी अगर किसी औरत के बच्चे जिंदा ना रहते तो वो ये नज़र मान लेती थी कि अगर इसका बच्चा जिंदा रहा तो वो इसको यहूदी बना देगी। फिर जब बनू नज़ीर के यहूद को जिला वतन किया गया तो उनमें अंसार के कई लड़के भी थे। अंसार ने कहा, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन अर्रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत वयुमिन बिल्लाहि फकद इस्तमसका बिलउरवातिल वुस्का अन्फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। फमन यकफुर बित्तागूत, तागूत से मुराद किसी चीज़ का अपनी हद से आगे बढ़ जाना है। तमाम बातिल मबूद तागूत हैं, क्योंकि उन्हें हद से बढ़ा कर अल्लाह ताला के बराबर कर दिया गया। शैतान को भी इसी लिए तागूत कहते हैं, जो शख्स लोगों से अल्लाह ताला के मुकाबले में अपनी बंदगी और अतात करवाता है वो भी तागूत है। फ़कद इस्तमसका बिलउरवातिल वुस्का, सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बाग में हूँ। बाग के वस्त में एक सुतून है और इस सुतून के ऊपर वाले हिस्से पर एक हलका है। किसी ने मुझसे कहा, इस पर चढ़ो। मैंने कहा, मैं नहीं चढ़ सकता। इतने में एक खादम आया, उसने मेरे कपड़े उठाए तो मैं इस सुतून पर चढ़ गया और इस हलका को मजबूती से पकड़ लिया। जब मैं जागा तो उस वक्त तक मैं इस हलका को मजबूती से पकड़े हुए था। मैंने ये ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बाग इस्लाम है, वो सुतून इस्लाम का सुतून है और वो हलका अल-उरवातिल वुस्का यानी मजबूत कड़ा है। और ऐ अब्दुल्ला, तुम इस्लाम को मजबूती से पकड़े रहोगे जहाँ तक के तुम्हें मौत आ जाए। आयत नंबर 257। अल्लाहु अल्लाह ताला वलियु दोस्त है, वलियुल्ला जीना दोस्त है उन लोगों का जो आमनो ईमान लाए। युखरी जो हम वो निकालता है उनको मिनु जुलुमाती अंधेरों से इलन नूरी रोशनी की तरफ। वल्ला जीना और वो लोग जिन्होंने कफारू कुफर किया, औलियाउहुम उनके दोस्त हैं मुत्तागूतु शैतान। युखरी जूना हम वो निकाल ले जाते हैं उनको मिनन नूरी रोशनी से इलन जुलुमाती अंधेरों की तरफ। उलाइका ये लोग अस्हाबुन्नारी दोजख वाले हैं, हम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। जुलमात से गुमराहियां और नूर से हदायत मुराद है। कुरान मजीद में जुलमात हर जगह जमा के सिगा में इस्तेमाल हुआ है और नूर हर जगह वाहिद के सिगा में। इससे वाजे होता है कि गुमराही तो कई किस्म की हो सकती है लेकिन हदायत कई किस्म की नहीं हो सकती, वो एक ही होती है और वो सिर्फ वही होती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि
के शैतानी रास्ते तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का रास्ता सिर्फ एक है और वो सिराते मुस्तकीम है। इरशाद बारी ताला है, वअन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा फत्ताबिउहु वला तत्ताबे उस सोबुला फतफर्रा का बिकुम अनसबीलिही जालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्ताकून, सूरत अल अनाम में। और ये कि बेशक यही मेरा रास्ता है सीधा, बस इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर ना चलो कि वो तुम्हें इसके रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है कि जिसका तकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम बच जाओ। और फरमाया, या अहलल किताबी कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम तुखफूना मिनल किताबी वयअफू अन कसीर कद जाकुम मिनल्लाही नूरुन व किताबुन मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मान इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलामी व युख्रिजूहुम मिनुस्सुलुमाति इलन नूरी बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिन मुस्तकीम, सूरत अल माईदा में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है जो तुम्हारे लिए उनमें से बहुत सी बातें खोल कर बयान करता है जो तुम किताब में से छुपाया करते थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशनी और वाज़े किताब आई है जिसके साथ अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसकी रज़ा के पीछे चलें सलामती के रास्तों की हदायत देता है और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है और उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। आयत नंबर 258-258। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इल्लाजी उस शख्स की तरफ जिसने हाजा झगड़ा किया इब्राहीम से फी रब्बी ही इसके रब की बाबत, अन इस वजह से के अताहुल्लाहु दे रखी थी उसको अल्लाह ताला ने हुल्मुल्क का बादशाही, इस जब काला कहा इब्राहीम इब्राहीम ने रब्बी अल्लाजी मेरा रब वो है जो यूही जिंदा करता है वायुमी तो और मारता है, काला उसने कहा आना मैं भी वह ये जिंदा करता हूँ वह उम्मीद तो और मारता हूँ। काला कहा इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फा इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला याति लाता है विशम से सूरज को मिनल मशरिकी मशरिक से वाति पस तु लेया बिहा इसको मिनल मगरिबी मगरिब से फबुही तल्लाजी पस हक्का बका रह गया अल्लाजी वो जिसने कफारा कुफर किया था
वल्लाहु और अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हिदायत देता, ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन उन लोगों को जो जालिम हैं। ये शख्स जिसने इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ताला के बारे में झगड़ा किया था, बाबल का बादशाह नमरूद बिन कनान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस बादशाह के रब होने से इनकार किया तो उसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में इतनी कुव्वत है कि सबको पैदा तुम ही करते हो और तुम ही मारते हो, तो उसके मुकाबले में एक मामूली सा काम करके दिखाओ कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से तुलू करता है, जब सारा इख्तियार तुम्हारे पास है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखाओ। इस पर वो बेईमान हैरत ज़दा होकर बिल्कुल लाजवाब हो गया। अन अताहुल्लाहुल मुल्का, यानी उस बादशाह को जो सल्तनत दी थी वो अल्लाह ताला ने दी थी। और हकीकत भी यही है कि जिसको बादशाहत मिलती है उसका देने वाला अल्लाह ताला ही होता है। इरशाद बारी ताला है, कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सूरह आले इमरान में कह दे, ऐ अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही देता है और जिससे चाहे बादशाही छीन लेता है, और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। तेरे ही हाथ में हर भलाई है, बेशक तू हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।